आखिर क्यों बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त ने बाहुबली फिल्म में कटप्पा का किरदार करने से मना कर दिया था। जी हां, आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि पहले ये रोल संजय दत्त को मिला था, लेकिन ऐन मौके पर संजय दत्त ने इस रोल को करने से क्यों मना कर दिया था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, बाहुबली सीरीज हिंदी सिनेमा जगत की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म का डायरेक्शन किए थे SS राजामौली ने और इस फिल्म के दोनों पार्ट्स की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। बाहुबली सीरीज हिंदी सिनेमा जगत की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है और इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी छाए थे और सबसे अहम किरदार था बाहुबली के बाद कटप्पा का। लेकिन ऐसे में ऐन मौके पर संजय दत्त ने बाहुबली में कटप्पा का किरदार करने से क्यों मना कर दिया था, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि SS राजामौली ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और उनके ही पिता KV विजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी, बाहुबली और बाहुबली द कंक्लूजन। कहा जाता है कि जब KV विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो कहानी के साथ साथ इस फिल्म से जुड़े किरदारों के बारे में भी वो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। शुरू में जब वो कहानी लिख रहे थे तो इस फिल्म के किरदार के लिए प्रभास का किरदार प्रभास के लिए फाइनल कर दिया गया था। भल्लाल देव का किरदार राणा दगोबत्ती के हाथ में आया था। वहीं पर अनुष्का शेट्टी इस फिल्म में देवसेना के किरदार में दिखाई दी थी। तमन्ना भाटिया इस फिल्म में अवंतिका के किरदार में दिखाई थी। लेकिन सबसे अहम और माना जाने वाला किरदार था कटप्पा का, जिसे सत्यराज ने निभाया था। यहाँ पर आपको इस बात से रूबरू कराना चाहेंगे कि बाहुबली फिल्म के पहले पार्ट आने के बाद सभी के मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, और ये सवाल तब तक नहीं खत्म हुआ था जब तक फिल्म का अगला पार्ट नहीं आ गया। तो ठीक ऐसे ही उस समय कटप्पा के किरदार को लेकर काफ़ी सारी सुर्खियां छाई थीं। लेकिन यहां पर आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्म के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद जब इस फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो फिल्म में कटप्पा के किरदार के लिए उन्होंने संजय दत्त को अप्रोच किया था और संजय दत्त इस फिल्म में अपने किरदार को लेकर हामी भी भर चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐन मौके पर इस फिल्म में कटप्पा के किरदार को करने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि संजय दत्त ने कटप्पा वाला किरदार इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस समय उनके जेल की टर्म शुरू हो गई थी और इस वजह से उन्हें डेट्स मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था और बाहुबली सीरीज के लिए संजय दत्त बिल्कुल भी देरी नहीं करवाना चाहते थे। संजय दत्त को पता था कि मैं पता नहीं कितने दिन जेल में रहूं और ऐसे में इस फिल्म को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अभिनेता संजय दत्त ने कटप्पा के किरदार को मना कर दिया। बाद में ये किरदार सत्यराज के हाथ में आया और उन्होंने कटप्पा का किरदार बखूबी बड़े पर्दे पर निभाया। यहाँ पर आपको चौंका देने वाला खुलासा ये भी करेंगे कि राणा दगोबत्ती भल्लाल देव के किरदार के लिए पहले फाइनल नहीं किए गए थे। KV विजेंद्र प्रसाद की माने तो इस किरदार को करने के लिए वो किसी हॉलीवुड अभिनेता को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई और बाद में किरदार राणा दगोबत्ती के हाथ में आया। वहीं पर अनुष्का शेट्टी को देवसेना के लिए फाइनल नहीं किया गया था। उस समय देवसेना के किरदार के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सा उस समय बाहुबली सीरीज को लेकर हुआ था। वैसे देखा जाए प्रभास, राणा दगोबत्ती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और रामे कृष्णन के अलावा सत्यराज ने अपने किरदारों को बखूबी बड़े पर्दे पर निभाया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब आपको इस खबर पर अपनी क्या राय देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।